दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर केजीएफ चैप्टर 2 के कहर के बाद दो बड़ी फिल्में रिलीज की गई। ये दो बड़ी फिल्में थी रनवे 34 और हीरोपंती 2। अजय देवगन और साथ ही साथ टाइगर श्रॉफ की दोनों ही फिल्मों ने कुछ खास कमाल नहीं किया। बॉक्स ऑफिस पर आए दिन इनकी कमाई गिरते ही जा रही है। हर कोई यही कह रहा था कि दोनों फिल्में आके वापस से बॉलीवुड का वो चरम दौर वापस लाएंगे जो कि एक समय पर कभी हुआ करता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आपको बता दें दोस्तों, एक और बड़ी फिल्म रिलीज होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, वो है भूल भुलैया 2। भूल भुलैया 2 के अंदर हमें कार्तिक आर्यन, तब्बू और साथ ही साथ कियारा आडवाणी नजर आने वाले हैं। वहीं ये फिल्म होने वाली है सीक्वल भूल भुलैया का, जिसमें अक्षय कुमार नजर आए थे। हाल ही में इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया। फैंस को ट्रेलर काफ़ी पसंद आया और इस फिल्म का बज़ काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 के दौरान जब वो फिल्म रिलीज हुई थी उसी दौरान इसके टीज़र को रिलीज किया गया था। मास लोगों ने इस टीज़र को देखा और हर किसी को ये टीज़र पसंद आया। तो क्या फिल्म इतनी कमाई कर पाएगी? इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिरकार कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस को वापस से रिट्रीव कर सकती है। हाल फिलहाल तो अगले महीने यानी मई के महीने में कुछ खास बड़ी फिल्में रिलीज नहीं हो रही, लेकिन जो भी छोटे बजट की फिल्में हैं अगर बात करें तो उसके अंदर सबसे आगे नाम भूल भुलैया 2 का ही आ रहा है, और इसका क्लैश हो रहा है धाकड़ के साथ। धाकड़ कंगना रनौत की फिल्म है, हालांकि इस फिल्म का बज इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहली बार एक फीमेल एक्शन सेंट्रिक फिल्म इंडियन सिनेमा यानी कि बॉलीवुड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। तो क्या भूल भुलैया 2 और धाकड़ मिलकर इस बार रिवाइव कर पाएंगे बॉलीवुड को, ये बड़ा सवाल है जो कि हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं कि आपका क्या मानना है, और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को।